तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस, है ना। तो मैं आपको मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला तो पढ़ाई दिया था। लेंस में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो है पावर ऑफ लेंस, है ना। तो पावर ऑफ लेंस भी हम समझ लेते हैं, फिर इकट्ठे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप ऊपर हेडिंग डाल लो, पावर ऑफ लेंस। ठीक, अब पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब होता है उसको समझो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास दो लेंस है, देखो भाई, एक लेंस ये है, ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, और मान लीजिए कि इसकी फोकल लेंथ F1। मेरे पास एक दूसरा लेंस भी है, ये इस तरीके से, और मेरे पास जो है इसकी फोकल लेंथ F2 है, और F2 जो है वो ग्रेटर देन F1। मतलब F2 जो फोकल लेंथ है वो F1 से बड़ी है। तो आप खुद सोचो, क्योंकि F1 छोटी फोकल लेंथ है और F2 बड़ी फोकल लेंथ है, तो इसकी फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के पास होगी। भाई इसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर के पास होगा ना, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो कम है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा दूर होगा फोकस, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा है। ये बात तो आपको समझ में आती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लेट सपोज कि यहाँ पे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, अगर तो आपको पता है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती, अगर सोचो कि ये लेंस नहीं होता तो ये तो सीधी जानी थी, सीधी जानी थी डॉटेड लाइन के अलावा। बट क्योंकि यहाँ पे लेंस है, तो ये जो आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आ रही है, इसको कन्वर्ज कर देगा टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो देखो बेटा, इस तरीके से मोड़ देगा, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो आपकी रे है वो किधर मुड़ जाएगी, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। अब मान लीजिए कि जो ये ओरिजिनल पाथ है उससे ये कितना बैंड हुई, आप खुद सोचो, थीटा 1। अब दूसरे केस में आप देखो, यहाँ पे अगर आप पाएंगे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आ रही है, तो टकराने के बाद अगर नहीं टकराती, लेंस नहीं होता, तो डॉटेड लाइन के लॉन्ग जाती। अब बट टकराने के बाद कैसे जाएगी बेटा, वो फोकस से पास होगी, और इसका फोकस F2 है जो थोड़ा सा ज्यादा दूर है, क्योंकि फोकल लेंथ सेकेंड लेंस की ज्यादा है, फोकल लेंथ 1 से। तो ये जो है बैंडिंग इसमें कितनी हुई बेटा, थीटा 1 की, थीटा 2 की सेकेंड लेंस में, इसमें थीटा 1। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें ज्यादा किसने मोड़ा रे को, लेंस 1 ने कि लेंस 2 ने। तो आप समझ पा रहे होंगे, जिसकी फोकल लेंथ पास है, कम है, उसने ज्यादा मोड़ा होगा, और जिसकी दूर है उसने कम मोड़ा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो ज्यादा ताकत किसके पास है मोड़ने की, लेंस 1 के पास कि लेंस 2 के पास। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थीटा मोड़ने का जो एंगल है, थीटा, वो लेंस 1 में ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ कम है तो उसकी ताकत ज्यादा है। तो हम ये बोलेंगे कि पावर जो है रे को बेंड करने की, वो लेंस 1 के पास ज्यादा है। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर है ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा बेंड कर सकता है वो लेंस, है ना। और जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसको कम बेंड करेगा। देखो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। इसलिए जो लेंस की पावर है उसको डिफाइन किया गया है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखो बेटा, इस तरीके से पावर को डिफाइन किया गया, पावर ऑफ लेंस कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब क्यों रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ डिफाइन किया गया, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम होगी, जब फोकल लेंथ कम होगा तो ज्यादा बेंडिंग होगी, मतलब पावर ज्यादा होगी, है ना। तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो पावर डिक्रीज करेगी, तो रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसलिए पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना, याद रखेंगे। तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल की तरह ही हमने पावर ऑफ लेंस को डिफाइन किया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। अच्छा, इसमें ध्यान देना कि अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में लेते हो तो ऐसा यूनिट जो पावर की है वो डायोप्टर्स में लिखी जाएगी बेटा, है ना, ध्यान देना इस बात को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ इफ फोकल लेंथ इज टेकन 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 इन मीटर्स, है ना, फोकल लेंथ को अगर आप मीटर्स में लोगे, देन
एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर पावर इज डायोप्टर्स। तो जो पावर की यूनिट है बेटा वो डायोप्टर्स में होगी, है ना, ध्यान देना इस बात का, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ रेसिप्रोकल, और फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो पावर जो है वो डायोप्टर्स में लिखा जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हुई, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो पावर है लेंस का वो डिफाइन किया जाता है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों तो वहां पे फोकल लेंथ जनरली सेंटीमीटर्स में दिया जाता है ना। मतलब अगर आप क्या हो कि आपका मान लीजिए कि सेंटीमीटर्स में दिया है, इफ फोकल लेंथ लेट सपोज आपका 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो इसकी पावर क्या होगी, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तभी आपका आंसर डायोप्टर में आएगा, तो आपको 10/100 करना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10/100, फिर आपका जो है पावर डायोप्टर में आएगा। तो याद रखना अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में नहीं लिखना है, मीटर में लिखना है, मतलब 10/100 लिखना है। तो ये 10 आपका सेंटीमीटर में दिया था, तो जब आपने 10/100 किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, तब जाकर इसको सॉल्व करने पे आपका जो पावर है वो डायोप्टर्स में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हो तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो पावर को आप ऐसे भी ले सकते हो, डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये 100 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर ऊपर, दिस विल बिकम 100/10, और ये 10 जो है वो आपका सेंटीमीटर में लिखा था आपने, तो आपका आंसर अब डायोप्टर्स में आएगा। तो आप सेंटीमीटर में डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला 100/focal length लिखना पड़ेगा। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में है और आप सेंटीमीटर्स में फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो 100/focal length सेंटीमीटर में लिखो, तो आपका आंसर डायोप्टर में आएगा, क्योंकि ये जो आपने 100 किया है ना, ये डिवाइड बाई 100 ऑलरेडी कर दिया है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, नहीं तो मीटर में कन्वर्ट करके यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/focal length सेंटीमीटर में लिख दो, आंसर डायोप्टर में आएगा, और मीटर में लिखना है तो 1/focal length मीटर में लिखो, तो आंसर डायोप्टर में आएगा, है ना। तो आई होप आपको यूनिट जो है वो अच्छे से क्लियर होगी, समझ में आएगी। अब बच्चों मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि एक्चुअली में जो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। तो अगर कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसकी पावर भी कैसी होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगी। और डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो उसकी पावर भी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी। तो ध्यान रखना कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर होती है बेटा वो नेगेटिव होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको आप चाहो तो नोट करके लिख लें, है ना। तो दो पॉइंट्स बना लें यहाँ पे, नंबर 1 ये पॉइंट, तो इसमें आप लिख सकते हो पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज उसकी फोकल लेंथ ही पॉजिटिव होती है, because its focal length is also positive। तो अगर आपका पावर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि जो लेंस यूज हुआ है वो कन्वर्जिंग लेंस, वैसे जो पावर है अगर वो नेगेटिव आए तो आप समझ जाना कि वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो हम लिख सकते हैं पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव बिकॉज its focal length is also negative, focal length is also negative। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। तो लिख लीजिए बेटा ये पावर ऑफ लेंथ। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आप हेडिंग डाल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ चाहिए होती है, तो उस तरीके का जो है लेंस हम बना नहीं पाते, हमारे पास दूसरे फोकल लेंथ के लेंसेज हैं और हमें जो लेंस की फोकल लेंथ चाहिए वो अलग है, तो हमें
कई सारे लेंसेस का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन इस तरीके से करना पड़ता है कि जो हमारी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ है या रिक्वायर्ड पावर है वो हमें मिल जाए, है ना। तो जो आपके ग्लास मेकिंग होते हैं ना, जिन बच्चों को चश्मा लगता है या किसी को आपने चश्मा, आप लोग में कई लोग शायद चश्मा लगाते होंगे पावर वाला, है ना, जिनका कुछ नंबर होता है, उनमें ये चीज यूज करते हैं। जो ग्लास या चश्मा बनाते हैं वो लोग इस तरीके से यूज करते हैं, है ना, क्योंकि आपको जो पावर रिक्वायर्ड है हो सकता है उस पावर का लेंस ना बनता हो, तो अलग पावर के लेंस बनते हैं, बट हम कॉम्बिनेशन करके उसको बना सकते हैं, है ना। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके अलग अलग पावर के लेंसेज को आपने कंबाइन कर दिया, है ना, ये बहुत थिन लेंसेज होते हैं बेटा, इनकी थिकनेस लगभग ना के बराबर होती है, इतने पतले होते हैं, इसलिए बोला गया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से आपने तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन किया, जैसे ये एक लेंस, ये दूसरा लेंस, ये तीसरा लेंस, है ना, इसको साथ में जोड़ दिया। तो अब क्या करेंगे कि मान लीजिए इसकी ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गई, ठीक। अब इस लेंस की पावर P1 है, इस लेंस की पावर P2 है, इस लेंस की पावर P3 है। तो हम इस पूरे लेंस के सिस्टम को एक सिंगल लेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसकी जो नेट पावर होगी वो एक सिंगल लेंस के बराबर होगी। हम ऐसा सोच सकते हैं इसकी जगह एक सिंगल लेंस है जिसकी पावर पी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट पावर है, यानी कि अगर मैं ये एक अकेला लेंस यूज करता तो भी मुझे उतनी ही पावर मिलती जितना इन तीनों को यूज करने पर मिलती, लेकिन ये एक अकेला लेंस मेरे पास है नहीं, तो मैं इन तीनों को कंबाइन करके बना लूंगा, है ना, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी इक्विवेलेंट पावर होगी और इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, वैसे इनकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ F1 F2 F3 होगी बेटा। अगर मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे लेंसेज भी हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर n लेंसेज हैं तो भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि जो इक्विवेलेंट पावर होती है वो हर एक इंडिविजुअल लेंस के पावर का एलजेब्रिक सम होती है, है ना। तो यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर है, ये पी इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट पावर, तो जो एक लेंस हमें मिलेगा इक्विवेलेंट, उसकी जो पावर होगी इक्विवेलेंट लेंस, है ना, इक्विवेलेंट पावर, वो हो जाएगी इंडिविजुअल पावर का सम, P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर और ज्वाइन होते तो डॉट 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 डॉट। तो ये फॉर्मूला है बेटा इक्विवेलेंट पावर का, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। अभी आप फॉर्मूला याद रखें, वही इंपॉर्टेंट है ना, तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इक्विवेलेंट पावर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, और P1 जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ F1 होगा, P2 जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ F2 होगा, P3 जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ F3 होगा, एंड डॉट 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 डॉट। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 आप चाहो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पे जो भी आप F1, F2, F3, P1, P2 जो है वो साइन के साथ यूज करें, है ना, ये जो सम है ये एक्चुअली में एलजेब्रिक सम है, साइन के साथ, एलजेब्रिक का सम का मतलब साइन के साथ, है ना, एलजेब्रिक सम है ये दोनों ही केस में, है ना, पावर का और फोकल लेंथ का। एलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे तीन लेंसेज दूँ, मान लीजिए कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है और ये एक लेंस है, इसकी पावर जो है P1 है, बीच वाले की P2 है और तीसरे वाले की P3 है। तो जब आप इसका P इक्विवेलेंट निकालोगे तो P1 क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो P1 जो है वो आप लिखोगे पॉजिटिव, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। लेकिन जो ये सेकंड वाला लेंस है, देखो ये डाइवर्जिंग है, कॉनकेव है ना, तो डाइवर्जिंग लेंस का पावर आप नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का पावर नेगेटिव होता है, और P3 तीसरा कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसकी पावर प्लस में। तो देखो यहाँ पे जो मैंने ऐड किया वो साइन के साथ किया है, तो इस बात का ध्यान देना, कन्वर्जिंग लेंसेज के लिए प्लस साइन के साथ ऐड करना और डाइवर्जिंग लेंस के लिए नेगेटिव साइन के साथ ऐड करना, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा बच्चों, इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए क्या है कि लेट सपोज मैंने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ होता है यहाँ पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ नहीं होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ नहीं होता, जबकि मिरर में ऐसा होता था। यहाँ पे फोकल लेंथ का एक अलग फॉर्मूला आता है जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, हालांकि वो आपको अभी तक पढ़ाया नहीं गया, आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन मैं केवल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, है ना, कभी कभी हो सकता है NTSC या ओलंपियाड में उससे क्वेश्चन पूछ ले, केवल उस वजह से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी बोर्ड में ये फॉर्मूला नहीं है, तो बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन
अगर हम ओलंपिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे पूछा जा सकता है। इसलिए आप फॉर्मूला बस याद रख लें, बाद में जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और अगर साइंस लोगे तो आपको फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इसका पूरा डेरिवेशन होता है, तो आप डेरिवेशन करेंगे। अभी डेरिवेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें अभी केवल फॉर्मूला देखना है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फोकल लेंथ निकालते कैसे हैं। उसका फॉर्मूला आर बाई टू नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है वो समझते। देखो मैंने आपको बताया था कि दो स्फेरिकल सर्फेसिस से मिलके बना होता है लेंस। मान लो ये जो ये वाला स्फेरिकल सरफेस है, जिस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है। ये बच्चों क्या है आपका ऑप्टिकल एक्सिस है ना, और सराउंडिंग में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, वो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन एस है, और लेंस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एन है, एन एल है ना, एन एल इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, एन एस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। हालांकि मोस्ट ऑफ द केस में आपके लिए जो सराउंडिंग होगा वो एयर होगा, तो यहाँ पे एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो एन एस की जगह आप 1 लिख लेना। लेकिन मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ, अगर आपको 1 की जगह कुछ और भी दिया जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ध्यान दो कि यहाँ से जो रे आएगी, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करना बेटा। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एनएल जो है इट इज सेट टू बी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यहाँ पे जो आपका एनएस है इट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम है ना। तो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इस लेंस का हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ इस तरीके से निकाल सकते हो आप। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/ रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। और इसमें जितने भी ये r1 और r2 की वैल्यू है इसमें आप साइन के साथ रखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन है ना, इस बात का ध्यान दें। तो इस फॉर्मूले को लगाते समय आप अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद आपका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पूरा जो सिस्टम है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। अप्लाई साइन कन्वेंशन। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी बच्चों, तो ये जो सिस्टम है वो किसकी तरह, ये जो लेंस है किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, है ना। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर होगा। साइन कन्वेंशन, R1 R2 की वैल्यू साइन के साथ लेना, राइट साइड वाला जो रेडियस है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेना, लेफ्ट वाला जो है मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो आप मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेना, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से। अच्छा एक बात और देखो बेटा, यहाँ पे 1/ फोकल लेंथ जो होता है पावर होता है, तो यानी कि यहाँ पे आप पावर लिख सकते हो इसको, पावर इज इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 और इनटू 1/r1 -1/r2। यानी कि पावर का भी यही फॉर्मूला, जो 1/ फोकल लेंथ का फॉर्मूला है वही पावर का। इसको सॉल्व करने के बाद इसका रेसिप्रोकल कर लेना बेटा, तभी फोकल लेंथ निकलेगा, क्योंकि ये 1/f है। सॉल्व करने के बाद इसका रेसिप्रोकल करोगे तो f आएगा। इस तरीके से आप फोकल लेंथ निकाल दो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, है ना। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा ना। और यह है, अगर आपको कभी ऐसा होता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस का सराउंडिंग का R1 R2 दिया हो और आपसे पावर पूछे, तो भी आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ये पावर ही देता है एक्चुअली, 1/ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर ही देता है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा, अगर आपसे पावर पूछा जाए तो पावर भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और आपसे फोकल लेंथ पूछा जाए तो फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, आपको बोला गया है कि ये हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, एक आपका R1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो आपका R2 है लेट सपोज 20 सेंटीमीटर है ना, ऐसा आपको गिवन है। उसके बाद फिर आपसे बोला गया है कि लेंस जो है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और सराउंडिंग मीडियम बोला गया एयर है। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है
तो आपको समझ नहीं आ गया होगा कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें क्या लेना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, है ना। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी फोकल लेंथ निकालने को बोला गया आपसे, तो चलिए निकालते हैं। तो पहले तो आप किसी भी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ले लो भाई। मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, तो लेफ्ट साइड से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो लेफ्ट से राइट आ रही है, तो राइट साइड वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे और लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन को निगेटिव। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस आप लेफ्ट में नापोगे वो निगेटिव साइन के साथ, राइट में नापोगे पॉजिटिव साइन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें लेंस मेकर फॉर्मूला तो आता ही है बेटा, है ना, जिससे फोकल लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं, 1/F = रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 -1/R2। देखो यहाँ पे R1 R2 का मतलब ये है बेटा कि जहां पहले रे टकराएगी वो आपके लिए R1 है, और जहां दूसरी बार रे टकराएगी दूसरा रिफ्लेक्शन होगा वो R2 है। इस बात का ध्यान रखना, है ना। R1 R2 मैंने ऐसा जरूर लिखा है, लेकिन R1 आपका वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जहां पहले टकराती है, फिर जब दूसरी बार टकराएगी वो आपका सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस फॉर्मूले में इस तरीके से यूज करना। अच्छा यहाँ पे जो जो चीजें यूज हो रही है वो हमें गिवन है, वो सारी चीजें लिख लेते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस गिवन है, यस 1.5 को चाहो तो आप 3/2 भी लिख सकते हो। क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम गिवन है, यस एयर है तो 1 लिख लेंगे। क्या हमें R1 गिवन है, देखो R1 लिखना है साइन के साथ, तो देखो R1 ये है, मतलब पहली बार यहाँ टकरा दी, ये है ये है ये। अब देखो इसका कर्वेचर ये है बेटा इस तरीके से, तो इसका सेंटर राइट साइड होगा, मतलब C1 यहां कहीं होगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नापने के लिए सेंटर पे जाने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जाना है, राइट की तरफ, और राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो R1 जो है वो प्लस साइन के साथ लेना है, तो +10 cm। फिर R2 देखो टकराने के बाद दूसरी बार इससे टकराएगी रे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर किधर होगा बेटा, लेफ्ट की तरफ, इसका कर्वेचर ऐसा है और लेफ्ट की तरफ होगा, तो लेफ्ट की तरफ ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइन के साथ होगा, यानी -20 cm। देखो साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है। अब आप फॉर्मूले में अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। तो 1/F = रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विच इज 3/2, और सराउंडिंग मीडियम का 1 है तो लिखने की जरूरत है नहीं, -1। 1/R1 दैट इज 1/10 cm, -1/R2 तो 1/-20, है ना बेटा। तो ये लिख लिया, इसको आप सॉल्व करोगे तो 3/2 इधर जाएगा, 3 - 1/2 तो 1/2 बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 1/10 प्लस 1/20, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एलसीएम 20 बचेगा बेटा, और यहाँ पे बचेगा आपका जो है कितना, 2 + 1 तो 3, तो 3/20, है ना। तो 1/ फोकल लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 × 3/20 विच इज इक्वल्स टू 3/40, और इसका रेसिप्रोकल कर दो तो फोकल लेंथ आ जाएगा। रेसिप्रोकल करना जरूरी याद रखना बेटा, सेंटीमीटर में, है ना, R1 R2 सेंटीमीटर में लिए थे तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो फोकल लेंथ आया सेंटीमीटर्स में 40/3, और ध्यान से देखो तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है बेटा। ये कैसी क्वांटिटी आई है फोकल लेंथ पॉजिटिव, मतलब ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ये सिस्टम कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ, इसका जो फोकस है वो आपका कितने दूर है ऑप्टिकल सेंटर से बेटा, 40/3 cm, दिस इज फोकस। और इसका डबल करोगे तो 2f मिल जाएगा, ऐसे f और 2f निकालना, और ये आपकी रे जो है टकराने के बाद ऐसे पास हो जाएगी, देखो फोकस से पास होगी, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया। चलिए इसके बाद मैं इसका दूसरा भी आपको बताता हूँ। अच्छा इसमें एक बात ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जो है फोकल लेंथ किसी भी साइड से निकालो, इंसिडेंट रे आपकी चाहे लेफ्ट साइड से आए चाहे राइट साइड से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, फोकल लेंथ का वैल्यू सेम आता है। मैं यहाँ प्रूफ करके ही बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि अब जो मैं रे है इंसिडेंट रे वो राइट साइड से गिरा रहा हूं, तो लेफ्ट साइड इंसिडेंट रे जा रही है, तो आपकी जो लेफ्ट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन दैट इज राइट की तरफ नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन सही से अप्लाई करना है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अब हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब जो है R1 पहले किससे टकराई, पहले 20 सेंटीमीटर वाले पोर्शन से टकरा रही है, तो अब सेकंड केस में जो है आपका जो R1 है वो 10 नहीं है, वो 20 है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, तो ये +20 cm। एंड जो आपका R1 है
उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ है, और राइट की तरफ सेकंड केस में जो इंसिडेंट रे है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लोगे, तो आप 10 सेंटीमीटर जो है आर टू वो निगेटिव में लोगे, -10 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब आप फॉर्मूला फिर से लगाओ, तो 1/ फोकल लेंथ लगाया जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वो तो 3/2 होगा, -1 होगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 1/R1 दैट इज 20 -1/R2 दैट इज -10। अब सॉल्व करो बेटा तो ये फिर से 1/2 आ जाएगा, ये 1/20 प्लस 1/10 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/10, तो यहाँ से देखो फिर से क्या आ जाएगा, ये 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 3/20, तो देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो फोकल लेंथ फिर से कितना आया, 40/3। देखो फिर प्लस साइन के साथ 40/3 आंसर आ रहा है। देखो आपका अभी भी चेंज नहीं, अब प्लस साइन का मतलब फोकल लेंथ जो है लेफ्ट साइड प्लस है ना, तो यहाँ कहीं फोकल लेंथ है, कितनी दूरी पर है देखो, तो मैंने आपको बोला ना दोनों तरफ से बराबर दूरी पे होता है और 2f है ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ये आपको मैंने प्रूफ करके बता दिया। तो यहाँ से रे ऐसे चली जाएगी, चाहे आपका इंसिडेंट रे कहीं से भी आए, लेफ्ट साइड से आए राइट साइड से आए, उससे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोकल लेंथ का आंसर हमेशा सेम होता है, तो फोकल लेंथ फिक्स होती है चाहे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कुछ भी हो। तो आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हो बेटा नोट करके, है ना, कई बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ लेंथ ऑफ लेंस लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उससे इंडिपेंडेंट होता है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, फोकल लेंथ हमेशा सेम आएगा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा, है ना बेटा, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये बात भी अच्छे से क्लियर होगी, तो नोट कर लीजिए। देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, एक और चीज है जो यहाँ पे हमें समझना है वो हम समझ लेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ना, तो इस साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, इस साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 20 सेंटीमीटर दिया है ना, इस तरीके से ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। अब आपने मान लीजिए कि ये लेंस जो है किसी लिक्विड में डिप कर दिया, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है वो 1.5 है, और जिस लिक्विड में डिप किया मतलब वो सराउंडिंग में आ जाएगा, तो सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बोला गया 2 है। देखो फिर आपसे बोला गया कि बताइए कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, चलिए निकालते हैं फोकल लेंथ। अब देखो सॉल्व करेंगे बेटा, तो फॉर्मूला लगाना तो अपन को आता है, फॉर्मूला अपन अप्लाई कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हमें पता है 1.5 मतलब 3/2 भी लिख सकते हैं, आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम अब 2 दिया है तो 2 लिख लेते हैं, एयर नहीं कोई दूसरा लिक्विड है। फिर उसके बाद R1, तो ध्यान से देखो, मान लो इंसिडेंट रे आप कहीं से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ ली इंसिडेंट रे, तो राइट वाली डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो पॉजिटिव हो गई, और अपोजिट डायरेक्शन जो है वो निगेटिव। पहली बार किससे टकरा रहा है, 10 सेंटीमीटर के रेडियस से, तो R1 की वैल्यू हो गई 10। अच्छा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा, है ना, C1, राइट साइड आपको जाना पड़ेगा, और राइट साइड वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ। R2, तो देखो बेटा दूसरी बार वो इस वाले सरफेस से टकराएगी 20 सेंटीमीटर, तो R2 जो है वो 20 सेंटीमीटर हो गया, और 20 सेंटीमीटर के लिए हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो ये -20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। अब आप फॉर्मूला लगा लो और आप आंसर निकाल लो, है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1, 1/R1 -1/R2, है ना, तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, अप्लाई कर दो, 3/2 और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 10 -1/R2 -20, तो ये आ गया बेटा, ये करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/10 प्लस 1/20 आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1/4, देखो आपके सामने -1/4, और ये आ जाएगा आपका प्लस करोगे तो 3/20, तो ये आ जाएगा -3/80, तो ये 1/F आया, फोकल लेंथ निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो -80/3 सेंटीमीटर।
अब ध्यान से देखो बेटा, फोकल लेंथ नेगेटिव आई। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस, ये सिस्टम जो है डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। देखो आपके सामने यहाँ पे देखो, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है इंसिडेंट रे के। तो यहाँ कहीं आप ये वाली जो दूरी है ये 80/3 सेंटीमीटर अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोकस है। अब ये फोकस है, इंसिडेंट रे ऐसे गई तो टकराने के बाद वो ऐसे डाइवर्ज करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही, क्योंकि अब फोकस नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो ये डाइवर्ज कर रहा है ना लेंस, तो ये लेंस, ये सिस्टम जो है आपका कैसा बिहेव कर रहा है। देखो लेंस आपका कौन सा लेंस है बेटा, आपका कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन ये बिहेव कैसे कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। डाइवर्जिंग लेंस की तरह कॉन्वेक्स लेंस है, बट ये कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, डाइवर्जिंग लेंस की तरह, कन्वर्जिंग लेंस नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। जबकि आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे ये जो लेंस है ये किसकी तरह, यहीं पे ये जो कॉन्वेक्स लेंस है यही सिस्टम था, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। क्यों कर रहा था, तो यहाँ पे देखो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम था, जबकि यहाँ पर ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम लिक्विड में जब आपने डिप कर दिया तो बड़ा हो गया, तो इस वजह से ये डाइवर्ज करना चालू कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस पक्का कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्वेक्स लेंस कब कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा और कब डाइवर्जिंग। देखो दोनों एग्जाम्पल आपके सामने, तो मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया, लेंस मेकर फॉर्मूला से आसानी से समझ में आ जाता है। तो आई होप आपको लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आया होगा, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उससे फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं वो भी क्लियर होगा। और अगर आपको पावर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/फोकल लेंथ को इज इक्वल टू पावर, तो पावर ये होता है ना बेटा। लेकिन ध्यान देना ये अभी डायोप्टर में नहीं आया, ये सेंटीमीटर में है ना, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डायोप्टर में आपका आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसको नोट कर लीजिए।